कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 8 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक पहला। पहले प्रश्न को देखिए। त्रिकोणमिति अनुपात साइने सेके टेने और को काटे के पदों में व्यक्त करो। साइन सेक और टेन को किसके पदों में? काटे के पदों में व्यक्त करना। तो सबसे पहले हम साइने को लिख सकते हैं। साइने को हम 1/ कोसेके के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि यदि कोसेके को हम करनी के अंदर ले गए तो हम इसको कोसेक स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कोसेक स्क्वायर ए को हम जानते कि ये तो 1+ काट स्क्वायर ए के बराबर होता है। 1+ यह तो 1+ काट स्क्वायर ए के बराबर होता है। दूसरा पद है कौन सा? सेके। सेके को ध्यान से देखें तो सेके को हम अगर करनी के अंदर ले जाना चाहें तो ये सेक स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर ए को हम किस में? टेन के पदों में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 1+ टेन स्क्वायर ए। और टेन स्क्वायर ए को पुनः हम चेंज करके लिख सकते 1/1+1/cot² में। ये पहला था, ये दूसरा। इसको थोड़ा सा सॉल्व और करेंगे तो इसका लघुत्तम आएगा काट स्क्वायर ए। लघुत्तम आएगा इसका काट स्क्वायर ए, तो बटे में आ गया काट स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1+ काट स्क्वायर ए। इसका मतलब है कि कौन सा पद? सेके। अब ध्यान से देखिए, करनी के अंदर काट स्क्वायर ए तो वो करनी के बाहर आ जाएगा, अंश वाला पद करनी के अंदर रहेगा, हर वाला पद करनी के बाहर आ जाता। तीसरा कन्वर्ट करना था किसको? टेन ए को। तो हम में से सब जानते कि टेन तो टेन और काटे एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/ काटे। दूसरा, कोणे के अन्य सभी अनुपातों को सेके के पदों में लिखिए। अब हम शुरुआत करते हैं साइने से। अंश और हर में इसके कासे का हम गुणा कर दें, अंश में भी गुणा कर दें कासे का और हर में भी गुणा कर दें कासे का, तो साइने बटे कासे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेने में। तो ये हो गया टेने इंटू कासे। कासे को हम 1/ सेके में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हमने टेन को करनी के अंदर ले गया तो ये टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटे में कासे किस में बदल गया? सेके में। टेन स्क्वायर ए को सर्वसमिका के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेके। तो साइन ए को सेके के रूप में ऐसा लिखा जा सकता है। दूसरा पद हमारे पास है कौन सा? कासे का। तो कासे, और हम जानते हैं कास और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसलिए ये तो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा पद हमारे पास आता है टेन ए का। तो टेन ए को जैसे ही हम करनी के अंदर लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए को सर्वसमिका के रूप में हम लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चौथा पद है कोसेके। कोसेके को यदि हम लिखना चाहे तो हम ये ऊपर जो पद है उसी के रूप में लिख सकते 1/ साइन ए, और साइन ए का हम निर्धारण कर चुके हैं, बस उसी का व्युत्क्रम लिख देंगे तो आपको कोसेके का सेके के फॉर्म में मिल जाएगा क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। पांचवा पद है काटे। काटे को हम जानते हैं कि हम व्युत्क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/ टेन ए, और टेन को यदि हम करनी के अंदर ले गए तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए का रिलेशन सर्वसमिका में है तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष का धन्यवाद।